हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कामरान और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल कामरान जी। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आया हूं कि आप जो है एसएससी के कैसा प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम्स, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं तेलंगाना बोर्ड से जो आते हैं पेपर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, जो भी टेंथ के स्टूडेंट्स है खासतौर पर और जो भी इंटर के स्टूडेंट्स है दोस्तों, और मेरे तमाम स्टूडेंट्स से और मेरे जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं मेरे चैनल को, जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए दोस्तों। यहाँ पे टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लाया हूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम में कैसा प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्टेप रहते हैं, उसका पूरी डिटेल्स बताऊँगा, कैसा आपको जो है स्टडी करना है, कैसा लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 डेज के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मार्च की 4th से इंटर फर्स्ट ईयर है, 5 से जो है सेकेंड ईयर है, और जो है 19 से जो है फाइन एसएससी के एग्ज़ाम्स है दोस्तों टेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कैसा प्रिपेयर करना है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा, वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, पहले तो जो है आप अगर एसएससी के स्टूडेंट है या इंटर के स्टूडेंट है, आपको पहले क्या करना है, जो भी इंस्टीट्यूट से जो भी आपको मटेरियल मिलते हैं, जो भी बाहर आपको कई तरह के जो है वर्क बुक्स मिलते हैं, जैसे कि विक्रम सीरीज़ है, सक्सेस है, सीसीई है, तास सीरीज़ है, ठीक है, ब्रिलियंट सीरीज़ है और कई तरह के सीरीज़ है, वो पूरे वर्क बुकों को आपको साइड में रख देना है, ठीक है। जी हाँ, आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कॉन्सेंट्रेशन से समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एक टॉप मार्क्स लाना है, अगर आपको पास के ऊपर अच्छे मार्क्स लाना है, आपको रैंकिंग में जाना है, ठीक है, एसएससी हों दो या इंटर हों दो, आप दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, दोनों के लिए एक ही मेरा गाइडलाइन है, आप फॉलो करिए और ज़रूर जो है आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और जो है आप जो है टॉप करेंगे एसएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे तमाम स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। देखिए, आपको क्या करना है, जो भी वर्कबुक्स है वर्कबुक को जो है एक साइड में रख दीजिए, जो भी सीरीज़ के वर्कबुक आपके पास है उसको साइड में रख दीजिए। और एक एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स, अगर आप कोई ट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आपके पास कोई जो है इंस्टीट्यूट के कोई कॉलेजेस के मटेरियल आ रहे हैं, ठीक है, जो भी टेंथ के इंपॉर्टेंट बिट बैंक्स, क्वेश्चन बैंक्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं उसको साइड में रख दीजिए। ये हो गया, एक आपको जो है इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल साइड में रख देना है और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर वर्कबुक साइड में रख देना है, ठीक है। अब आपको फॉलो क्या करना है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से जो आपको टेंथ के टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं, जो रीडर्स मिलते हैं आपको, फिजिक्स की रीडर, हिंदी की रीडर, तेलुगू की रीडर, मैथ्स की रीडर, बायो की रीडर, ठीक है, उर्दू की रीडर, मैथमेटिक्स की रीडर और इंग्लिश सोशल की रीडर, ये आपको जो है अच्छी तरीके से रख लेना है अपने पास। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम बहुत ही कम है, 40 डेज से ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, तो स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट्स, मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे रीडर्स फॉलो करना है। जी हाँ, आपको रीडर्स फॉलो करना है और हर एक पेज से जो है आपको अच्छी तरीके से ग्रामर फॉलो करना है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, तेलुगू में जो भी ग्रामर है, उर्दू में है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से फॉलो करना है, और जो भी इंग्लिश में एनोटेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको अच्छी तरीके से रीडर से पढ़ना है, और फिजिक्स, बायोलॉजी में, मैथ्स में जो है थ्योरम्स अच्छी तरीके से पढ़ना है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिजिक्स में और बायो में एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, इंटरमीडिएट एजुकेशन में, वो थ्योरम्स पूछता है, रीडर्स के थ्योरम पूछता है, टेक्स्ट बुक के थ्योरम पूछता है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम वहाँ से पूछता है, और कई तरह के स्टूडेंट्स जो है रीडर फॉलो नहीं करते, इसलिए जो है प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कई तरह के मटेरियल फॉलो करते हैं, कई तरह के इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल फॉलो करते हैं, इसलिए जो है उनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, उनका स्कोर गिर जाता है। तो आपको क्या करना है, रीडर फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक फॉलो करना है, और अभी से आप जो है ज़्यादा टाइम जो है रीडर पे लगाइए, पूरी रीडर आप फॉलो करिए और जो है आपका ज़रूर जो है आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और वहाँ से आपको क्या करना है, फिजिक्स में, बायो में एक्टिविटीज़ फॉलो करना है, वहाँ पे आपको एक्टिविटी अच्छी तरीके से पढ़ना है, डायग्राम्स अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, वहाँ से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएंगे, एसिस्टिक सेंस के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से ही जो है ज़्यादातर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन देता है दोस्तों स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको फॉलो करना है और आपको जो है पूरे मटेरियल्स को साइड में रख देना है, और जो है अगर अब तक आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने पढ़ लिया है आंसर, कोई बात नहीं, आप वर्कबुक साइड में रखिए, उसको बाद में निकाल के रिवाइज करिए आंसर, या बाद में पढ़िए क्वेश्चंस, पहले जो है रीडर को फॉलो करिए, रीडर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को फॉलो करिए, टेक्स्ट बुक के आंसर जो है आपको रीडर में ही मिल जाएंगे अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है अभी तो। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स रीडर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है कि वो जो है ज़रूर अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप अपने पे मोटिवेट रखिए, मोटिवेट अपने आप को करते रहिए कि आपको उदास नहीं होना, एग्ज़ाम कैसा आएगा, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आएगा,
अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे रابطہ कर सकते हैं, मेरी KSM इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी है, ठीक है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नहीं तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट में अपना जो है डिटेल जो है अपना जो है क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं जो है सिर्फ इतना बोलने के लिए आपके खासतौर पर SSC स्टूडेंट्स के लिए आया था। आप अपना जो है टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करिए, मेंटेन अच्छा करिए, और अपनी नींद जो है पूरी करिए, 8 आवर्स की नींद जो है पूरी, कैसा भी डेली जो है 8 आवर्स ज़रूर सोइए, और जो है मॉर्निंग जल्दी उठ के 4 बजे से 8 बजे तक या 7 बजे तक जो है मैथ्स का प्रैक्टिस करिए, फिजिक्स का रिवाइज करिए, हिंदी का प्रैक्टिस करिए, तेलुगू का प्रैक्टिस करिए, और अच्छी तरीके से जो है आंसर्स लर्न करिए, लेटर प्रैक्टिस करिए, एसे राइटिंग प्रैक्टिस करिए, डायलॉग राइटिंग प्रैक्टिस करिए, पोस्टर प्रेजेंटेशन, डायरी एंट्री ये जो है पूरे फॉलो करिए दोस्तों और स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर जो है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या मुझे जो है कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टीट्यूट भी है, आप वहाँ पे भी आके मुझे जो है कई तरह के डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे मेरे पास फैकल्टी भी है मैथ्स की, अकाउंट्स की, ठीक है, और फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है, तो आप वहाँ से भी आके पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट रहा तो। और आपको जो है रीडर फॉलो करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है सिर्फ रीडर से फॉलो करके जाइए, रीडर से ही प्रैक्टिस करिए, रीडर को ही पकड़ के रखिए, रीडर के अलावा जो है आपको कई तरह के भटकाने के चीज़ आएंगे, मटेरियल आएंगे, वर्कबुक आएंगे, गाइड्स आएंगे, मॉडल पेपर्स आएंगे, इन सबको दूर रख दीजिए अपने आप से, और सिर्फ रीडर पर कॉन्सेंट्रेशन करिए, रीडर के आंसर्स पढ़िए, और आपको जो है ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, टेक्निकल कामरान जी को इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइए दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक लिखना है, अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वो जो है तो टॉपिक पे अपलोड वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है एजुकेशन से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से चैनल से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई तरह के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ पर एक बार विजिट करिए, जो भी वीडियो अच्छी दिखी आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, टेक्निकल कामरान जी को इजाज़त दीजिए, जय हिंद दोस्तों।